हेलो गाइज, आज हम बहुत प्यारा सा पायदान बनाएंगे। तो चलिए हम पैटर्न को बना लेते हैं। हमें फोर चेन बनानी है। देखिए, 1 2 3 4। इसको हम सर्कल बना लेंगे। लास्ट वाले चेन में हम डालेंगे इस तरीके से। अब हम थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3, और सर्कल में हम डालेंगे बीच में और टू डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, ये टू चेन बीच में हम डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। टू डबल क्रोशिया, टू चेन। देखिए, फिर हम टू चेन बना लेंगे, टू डबल क्रोशिया। फिर टू चैन, टू डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें सिक्स बनानी है, 1 2 3। थ्री और हम बना देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमने सिक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे हम टू चैन लेंगे और इसमें लॉक करेंगे। इसी तरीके से हमें बनानी है, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया, टू चैन। देखिए, अब यहाँ हम थ्री चैन लेंगे और फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही रो में। टू चैन, टू डबल क्रोशिया। देखिए, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे टू चैन लेंगे और यहाँ डालेंगे हम पास वाली में फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे। टू चैन, देखिए यहाँ पे हम थ्री चैन लेंगे और इसमें हम नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे। इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ पे फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे। टू चैन, फोर डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे टू चैन लेंगे, पास वाली में ही डालेंगे, फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे। टू चैन, टू डबल क्रोशिया। देखिए, यहाँ पे हम थ्री चैन बनाएंगे और इसमें ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए, इस तरीके से हमारा बनकर आएगा। यहाँ पे हम थ्री चैन लेंगे और फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे। टू चैन, फिर इसी में डालेंगे, फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, फिर टू चैन लेंगे और इसमें डालेंगे हम फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे। टू चैन, फोर डबल क्रोशिया। देखिए, यहाँ पे वन चैन बनाएंगे हम और देखिए ये दिख रही है, इस वाले में डालेंगे और पॉप बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6।
3, 4, 5। देखिए सब कर देंगे, फिर यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, टू चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे, यहाँ डालेंगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन, 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हम पॉप बनाएंगे, देखिए ये दिख रही है, हम इसमें डालेंगे, धागे को बराबर कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर धागे को निकाल लेंगे और इसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे। हमारा इसी तरीके से ये बंद कराएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारा दोनों तरफ से पॉप बढ़ता चला जाएगा। एक इधर पॉप बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे, इसी तरीके से हमारा 6 पैटर्न हो जाना चाहिए, 6 पॉप बनेगा। मैं आपको दिखा, देखिए इस तरीके से बनकर आएगी, हमें यहाँ तक 6 कर लेनी है। इसी तरह से ये पैटर्न बढ़ते हुए चली जाएगी, 6 के बाद से हमें कम करना होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए 1, 2, 3 चैन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन लेंगे। फिर देखिए हमने पॉप बनाए थे, इसके साइड में फिर हम पॉप बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम इसके साइड वाले में बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इस तरीके से हम निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। टू चैन, 2 डबल क्रोशिया, देखिए इसी तरीके से हमारा बन के आएगा। और ये फिर अब यहाँ पे हम 2 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इसी तरीके से करते हुए हमारा ये 6 होना चाहिए, 6 पैटर्न आ जाना चाहिए। मैं आपको पूरी बनाकर फिर 6 पैटर्न तक दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे आके हम लॉक कर देंगे। फिर हमारा ये पैटर्न इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर मैं आपको 6 करके फिर दिखा। देखिए गाइज हमने इतना बना लिया है, देखिए हमारा 6 पैटर्न आ गया है।
1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स हमने बना लिया है, दोनों तरफ हमारा सिक्स सिक्स आ गया है और इसी तरीके से हमारा बढ़ता हुआ चला गया है। सेम ऐसे ही हमारा अब यहाँ से कम होगा। देखिए अब यहाँ हम दोनों साइड पे नहीं बनाएंगे और यहाँ इसके बीच में बनाएंगे और फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर हमारा एक रह जाएगा। इसी तरीके से कम होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हम डबल क्रूसिया को डबल क्रूसिया बना लेंगे, थ्री चैन। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने टू डबल क्रूसिया टू चैन टू डबल क्रूसिया टू चैन और टू डबल क्रूसिया टू चैन टू डबल क्रूसिया इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न आ गया है तो यहाँ पे हमें कम करना है। तो गाइस हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए दोनों तरफ से हम यहाँ नहीं बनाएंगे, अब फिर हम यहाँ बनाएंगे, उसके बाद यहाँ बनाएंगे, उसके बाद हमारा वन बच जाएगा। इसी तरीके से हमारा कम होता हुआ चला जाएगा। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे बनाऊंगी, फर्स्ट वाला स्किप करेंगे, उसके आगे वाले में डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 धागे को थोड़ा लंबा खींचिएगा, बहुत अच्छी बनकर आएगी। देखिए इसी तरीके से हमारा बन के आएगा, चारों तरफ हम इसी तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट कर, देखिए गाइज हमारा इस तरीके से ये बनकर आया है, बिल्कुल इजी है बनाने में। अब जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगी किस तरीके से ये बन रही है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं सिर्फ पैटर्न पे ही लंबी वीडियो बना के डाल दूंगी क्लियर ही। तो देखिए ऐसे आएगा। देखिए हमारा फर्स्ट में भी वन बचा है और लास्ट में भी वन बचा है। हम यहाँ से बढ़ाते हुए जाते हैं, सिक्स पैटर्न आता है वहाँ से, फिर हम कम करते हुए चले जाते हैं और इसमें कोई चेंज नहीं करनी है। टू डबल क्रूसिया टू चैन टू डबल क्रूसिया टू चैन टू डबल क्रूसिया टू चैन टू डबल क्रूसिया इसी तरीके से बनाते हुए जाना। देखिए 1, 2, 3 चैन बनाएंगे और इसमें हम डालेंगे, टू चैन बनाएंगे, देखिए 4 डबल क्रोशिया हमारा बन गया, टू चैन बना लेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक ही चैन में, फिर हम टू चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए यहाँ पे अब हमारा पैटर्न खत्म हो गया है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे हम डालेंगे। देखिए सीधे यहाँ पे हम डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चैन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। गाइस मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए। ये 2 चैन बनाएंगे, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न आ गया, यहाँ पे हमें कोई चैन ऑन लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधे डालेंगे और इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे क्योंकि हमारा ये लास्ट है।
देखिए हमारा इस तरीके से बन कर आएगा। हम धागे को काट लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गाइस मैंने 8 पैटर्न इसी तरीके से मैंने बना लिया है। 8 पैटर्न देखिए इस तरीके से, और इसको मैंने सुई धागे की मदद से सिलाई कर ली है और किनारी भी बना लिया है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से ये हमने पैटर्न जोड़ के बनाया है। देखिए ये जो हमने जहाँ से पैटर्न स्टार्ट करे थे ये हमारा इधर आएगा, और जहाँ हमने लास्ट बनाए हैं ये, तो यहाँ से हम इधर रखेंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे, और देखिए जो हमने स्टार्ट किए थे यहाँ से, तो यहाँ से हम ये काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, हम 6 वाले में डालेंगे। देखिए इसी तरीके से हमें 8 पैटर्न पूरी साइड में इसकी किनारी बना लेनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे, हम 6 वाले में डालेंगे। देखिए इस तरीके से हम डालेंगे, देखिए इस तरीके से हम ये जो हमारी चेन दिख रही है इसमें हम बनाते हुए इसी तरीके से हम पॉप बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 को लॉक कर देंगे। जो ये हमारी पैटर्न दिख रही है देखिए इस तरीके से, जो हमने डबल 2-2 चैन बनाते हुए गए हैं ये आ रही है, हम इसमें डाल के यूं करके लॉक कर देंगे। फिर यहीं से हम पॉप बनाएंगे इसमें, देखिए ये चैन दिख रही है ना, इसमें डाल देंगे, लंबा धागा खींचेंगे 2 3 4, इसको ऐसे खींच लेंगे। देखिए फिर हम इसमें डालेंगे, फिर इस तरीके से हम कर लेंगे, फिर ऐसे लंबा धागा खींचेंगे, ऐसे पॉप बना लेंगे। देखिए फिर इसको ऐसे हम खींचेंगे, फिर इसमें डालेंगे, वो ऐसे कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से ये बनेगा, और इसको हम बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर इधर भी हम 5 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे, और 6 पैटर्न तक हम इसी तरीके से बना लेंगे। फिर मैं आपको यहाँ तक करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हम एक ही पॉप बनाएंगे, जो हमारा यहाँ लास्ट था, जो धागा काटे थे लास्ट में। देखिए लंबा धागा खींचेंगे, और यहाँ पे भी हम पॉप बना लेंगे 2 3 4 5।
5। इसको लॉक कर देंगे और ये देखिए, ये दिख रही है जो हमारा ये खुला हुआ है। फिर हम यहाँ डालेंगे इसको, ऐसे कर लेंगे, देखिए इस तरीके से हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम पॉप बना लेंगे। इसी तरीके से हमें पॉप बनाते हुए जाना है। फिर हम इसमें डालेंगे, फिर हम यहाँ बनाएंगे, 5 तक हम बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे, 6 तक, 6 पैटर्न तक हम यहाँ तक बना लेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हमारा बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 में हम डालेंगे और इसको यहीं पे हम लॉक कर देंगे। देखिए हमारा इस तरीके से पैटर्न बनकर आ गया है। इसी तरीके से सारे पैटर्न को हम जोड़ लेंगे और यहाँ पे हम सुई धागे की मदद से इतना हम सिलाई कर लेंगे यहाँ तक। मैं आपको दिखा, देखिए गाइस इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर लेंगे सुई धागे की मदद से। देखिए डालेंगे हम, देखिए इस तरीके से बहुत इजी है बनाना इसको, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत प्यारा लगता है। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं फुल वीडियो डाल दूंगी इसकी। मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आप सबको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे, फिर मैं इसको भी सिलाई करके आपको जब दिखाती हूँ। लुक इस तरीके से आएगी और बीच में हम बनाकर पैटर्न लगाएंगे। चलिए उस पैटर्न को हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम पूरी लुक देखिए गाइस। अब यहाँ पे हम 5 चैन बनाएंगे, इसको लॉक कर देंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम लास्ट में क्रोशिया डालेंगे, इसको सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे और सर्कल में डालेंगे, अब पॉप बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 देखिए, इस तरीके से। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर इस सर्कल में डालेंगे, 1 2 3 4 5 सर्कल बना, हम पॉप बना लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमें इसी राउंड में 6 पैटर्न बनाने हैं, 1 2 और 2 फिर चैन लेंगे और पॉप बना लेंगे। देखिए
इसी तरीके से बना लेंगे, फिर टू चैन बनाएंगे। मैं आपको सिक्स पैटर्न बनाकर दिखाती हूँ। ये 1 2 3 हो गया, 3 और बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, 2 चैन लेंगे बीच बीच में। देखिए गाइस इस तरीके से बनकर आएगी। 1 2 3 4 5 6 मैंने बना लिया, बीच में 2 2 चैन लेंगे, उसके बाद से हम पॉप बनाते हुए चले जाएंगे। फिर देखिए अब इसको हम यहाँ डालेंगे, यहाँ पे नहीं, हम इसके यहाँ डालेंगे चैन, 3 चैन लेंगे और हम पॉप बना लेंगे इसके ऊपर। देखिए देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे, फिर चैन में डालेंगे, फिर चैन में हम पॉप बना लेंगे, फिर यहाँ इसके ऊपर हम बनाएंगे, फिर चैन में बनाएंगे, फिर इसके ऊपर बनाएंगे, फिर चैन में बनाएंगे। इसी तरीके से हमारा रो हर रो में बढ़ता हुआ चला जाएगा। हमें पूरे सर्कल के बराबर बनानी है, तो सर्कल के बराबर बनाकर उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए अब इसमें हम बनाएंगे, इसमें बनाकर इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम बनाएंगे। देखिए गाइस इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे हमने पहले बनाए थे, 2 3 4 5 देखिए, फिर इसमें हम डालेंगे 1 2 3 4 5 फिर हम यहाँ डालेंगे। इसी तरीके से हमने ये सारे राउंड बनाए हैं, फिर मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको देखिए गाइस हमारे सर्कल के बराबर बनकर तैयार हो गया है ये। देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। देखिए गाइस इसको हम इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इसमें क्रोशिया डालेंगे। देखिए ये पैटर्न दिख रही है, इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसी तरीके से हम चारों तरफ बना लेंगे गाइस। देखिए इस तरीके से आएगी ये, हम इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे इसको। फिर मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ तक ज्वाइंट करके। देखिए गाइस मैंने इसकी चारों तरफ से सिलाई कर लिया है, मैंने क्रोशिया से ही सिल लिया है। आप चाहें तो सुई धागा की मदद से भी सिलाई कर सकते हैं। अब हम धागे को काट लेते हैं और फाइनली लुक आपको आ रही होगी। देखिए गाइस इसकी फाइनली लुक बहुत प्यारी बनकर आई है। इस तरीके से आप भी बना सकती हैं। अगर कोई भी डाउट आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि कितनी प्यारी पैदान लग रही है। इसी तरीके से हम बना सकते हैं और डेकोरेट करने के लिए इस पे हम फ्लावर भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से कहीं भी हम डेकोरेट कर सकते हैं इसको। देखिए कितनी प्यारी लग रही है।